धार से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एनआईए की टीम ने छापेमारी जारी की है और पटना और दरभंगा में हो रही है छापेमारी। पीएफआई से जुड़े मामले में ये छापेमारी हो रही है। दरभंगा से एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार भी किया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं बिहार से, ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर एनआईए की टीम ने छापेमारी जारी की है। पटना और दरभंगा में ये छापेमारी की जा रही है और पीएफआई से जुड़े मामले में ये छापेमारी हो रही है। दरभंगा से एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार भी किया गया है। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बिहार में पटना और दरभंगा में छापेमारी जारी है। एनआईए की तरफ से ये छापेमारी की जा रही है और इस दौरान दरभंगा से एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार भी किया गया है। पीएफआई से जुड़े मामले में ये छापेमारी हो रही है। आपको बता दें कि बिहार के साथ इससे पहले कई राज्यों में छापेमारी हो चुकी है। बिहार में भी पहले एनआईए की तरफ से छापेमारी की गई है और एक बार फिर से एनआईए की टीम ने बिहार के दरभंगा और पटना में दबिश देते नजर आ रहे हैं। बिहार के पटना और दरभंगा में छापेमारी जारी है। पीएफआई से जुड़े मामले में ये छापेमारी हो रही है और इस छापेमारी के दौरान दरभंगा से एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार भी किया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एनआईए की टीम के द्वारा छापेमारी की जा रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। घटना छापेमारी स्थल की ये तस्वीर है, जहां पर एनआईए की टीम छापेमारी स्थल पर डटे नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन की टीम भी वहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं और पीएफआई से जुड़े मामले में ये छापेमारी हो रही है और दरभंगा से एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार भी किया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दरभंगा से एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार भी किया गया है और पीएफआई से जुड़े मामले में ये छापेमारी हो रही है। एनआईए की टीम लगातार इन दिनों देश के अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर रही है और इसी बीच अब पटना और दरभंगा में भी छापेमारी जारी है और इस छापेमारी के दौरान दरभंगा से एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार भी किया गया है। पीएफआई से जुड़े मामले में ये छापेमारी हो रही है। पटना और दरभंगा में छापेमारी हो रही है। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहाँ पर पटना और दरभंगा में छापेमारी जारी है। एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है और इस दौरान एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। दरभंगा से युवक को गिरफ्तार किया गया है, संदिग्ध युवक है जिसे गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी के दौरान एनआईए की टीम के साथ भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी वहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं, तैनात नजर आ रहे हैं। लगातार एनआईए की टीम की तरफ से छापेमारी की जा रही है। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जगहों पर ये छापेमारी जारी है। इसी बीच पटना और दरभंगा में भी छापेमारी हो रही है। पीएफआई से जुड़े मामलों में ये छापेमारी हो रही है और इस पूरे मामले में दरभंगा से एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार भी किया गया है।